हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे क्रिया का दूसरा भेद अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जैसा कि नाम से ही पता है आ, कर्म के साथ हमारे क्या है आ, आ का मतलब होता है नहीं, मतलब कर्म के बिना, जिसमें कर्म नहीं होता वो हमारी होती है अकर्मक क्रिया। आइए देखें अकर्मक क्रिया की परिभाषा। जब किसी कर्ता के काम का प्रभाव कर्म पर ना पड़कर स्वयं कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जब कर्ता कोई कार्य करता है तो उसका प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ता, कर्ता पर स्वयं पड़ता है, वो हमारी अकर्मक क्रिया होती है। जैसे हम चल रहे हैं, हम क्या है चल रहे हैं, हम हमारे क्या करता है और क्या कार्य कर रहे हैं चल रहे हैं, तो इसमें तो ये हमारी हुई अकर्मक क्रिया। जैसे ही राम पढ़ता है, राम करता कौन है, राम, राम क्या क्रिया कर रहा है पढ़ रहा है, तो राम पढ़ता है ये हमारी अकर्मक क्रिया। नेहा लिखती है, नेहा हमारी करता है, लिखती क्रिया है, तो नेहा लिखती है ये हमारी हुई अकर्मक क्रिया। अब हम देखेंगे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की पहचान। आइए कुछ उदाहरण के द्वारा सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की पहचान करते हैं। नंबर वन, करण ने खाना खाया। यहाँ देखिए करण हमारे क्या है कर्ता, और क्या काम किया उसने खाया, और खाया और कर्म हमारा है खाना। तो हमने क्रिया से सवाल किया कि खाया, क्या खाया, तो हमें आंसर मिला खाना। तो खाना हमारा क्या हुआ कर्म, खाया हमारी क्रिया, करण हमारा कर्ता, तो करण ने खाना खाया, तो ये हमारी हुई सकर्मक क्रिया, क्योंकि इसके अंतर्गत हमारा कर्म भी है। अजय हंसता है, अजय हमारा क्या है कर्ता, क्या कार्य करता है वो हंसता है, तो इसके अंदर अजय हंसता है कर्ता और क्रिया दो चीजें हैं, तो ये हमारी हुई अकर्मक क्रिया क्योंकि इसके अंतर्गत हमारा कर्म नहीं है। अनु सोती है, अनु हमारी कौन है कर्ता, क्या कार्य करती है सोती है, तो ये हमारी हुई अकर्मक क्रिया। ऐसे ही नीतू ने गीत गाया, नीतू हमारी क्या कर्ता, उसने क्या किया कि गाया, तो अब गाया करने प्रश्न किया क्या गाया उसने बताया गीत गाया, तो ये गीत हमारा कर्म हो गया, ये क्रिया होगी, तो ये हमारी हुई सकर्मक क्रिया। धन्यवाद।